देखो कितनी बढ़िया से खस्ता कचौरी बनी है, दोनों पड़े अलग अलग खुल रही है अंदर से पूरा मसालों है। और थाले पसंद आ जाए रेसिपी तो थे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, और ये तरीका से बना के खाए और मन कमेंट करके बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं। जीराते ही रसोई में थर स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल की कचौरी। तो मैं धुली हुई मूंग की दाल ने लगभग 2 घंटा से भिगा रखी हूँ। देखो कितनी बढ़िया से भीग गई है देखो। तो अभी ना साफ पानी में धो के और छलनी में थोड़ी जार ले रही हूँ। यह दाल मैं एकदम धो के जार के छोड़ दी हूँ। अब दिखाऊं थाने मैं तेल चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में लगभग 1 चमचो बड़ो, और एक अंदर 1 चम्मच डाल दी जीरा की। और जीरा डालने के बाद में एक अंदर डालने है थोड़ी हींग, और हींग डालने के बाद एक अंदर डाली है राई, आधी चम्मच राई की डाली हूँ। और राई की डालने के बाद में एक अंदर डालनी है 2 चम्मच सूप की, मसल के डालनी है हथेली से ताकि बढ़िया से सिक सके। जो सूप डाल दी है मैं, और सूप डालने के बाद एक अंदर डालने हैं साबुत धनिया, धनिया से और सूप से ही कचौरी को टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा। इस तरीका से हथेली से मसल दे धनिया ने एकदम 2 चम्मच धनिया की ही मैं डाल दी थी अंदर। और ये सब डालने के बाद में अंदर डाल दे जो मसाला जो पीछे है ना वो डाल दूंगी, लहसुन अदरक हरी मिर्ची, लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट है ये मैं डाल दूंगी अंदर। इसको तैयार करना चाहिए, अब इन्हें थोड़ा पका लेना। तो पक चुकी है मसालों, पकने के बाद मैंने डाल दी है कम से कम 3 से 4 चम्मच बेसन, 3 चम्मच भर के मैं बेसन की डाल दी हूँ। और इन्हें बढ़िया सा भूनना है, बेसन जब भून जाए वो 3 से 4 मिनट के बाद ही अंदर मसालों डालेंगे। हेलो देखो भून चुके हैं बेसन बढ़िया से, अभी अंदर डालना है सूखो मसालों। सूखा मसाला में डालना है 1 चम्मच मिर्ची और 1 छोटी चम्मच हल्दी, और हल्दी डालने के बाद में थोड़ी यह जो कसूरी मेथी है इन्हें मसल के डालनी है। और इन्हें डालने के बाद में नमक डालना है, नमक स्वाद के अनुसार डालना है, नमक को कोई माप नहीं है। तो इस तरीका से मैं नमक डाल दूँ। अब नमक डालने के बाद में एक अंदर डालना है मैंने थोड़ा सो गरम मसालो, आधी चम्मच गरम मसालो डाल दी हूँ मैं। और गरम मसालो डाल के 1 चम्मच में अमचूर पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच अमचूर पाउडर की। और इन्हें चलाता हूँ या जो दाल में रखी हूँ उन्हें एक अंदर डाल देनी है, और इन्हें बढ़िया से गर्म कर मतलब चटका देनी है दाल में अच्छी तरह ताकि स्वाद अच्छा होगा। तो लगभग 5 से 7 मिनट मीडियम आंच पे ना फ्राई करनी। A few moments later जो बुन चुकी है इनमें 1 चम्मच चीनी की जरूर मिलानी है ताकि खट्टी मीठी टेस्ट जो आवा है वहीं से ही आवा है। और मैं मसाला ने चलाता हूँ या गैस में ऑफ कर दूंगी, और इसकी मैदा मैं तैयार करूँगी तो खाने दिखा दूंगी आपको। यह मैं मैदा ली हूँ, मैदा लगभग 300-350 ग्राम है। ये मैं नमक डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, और साथ में थोड़ो 3 से 4 चम्मच में ही मैं तेल की डाल रही हूँ मोइन के लिए ताकि खस्ता बनेंगे। इन्हें मैं तैयार कर ले रही हूँ एकदम। A few moments later तैयार हो चुकी है, इन्हें थोड़ो तेल लगा के 5 मिनट रख देनी है इस तरीका से, और फिर लोच देकर तब तक मैं संभालू मसालों की तरीका से तैयार हुए है ठंडा हुए है कि नहीं। ये मैदा एकदम तैयार है, और ये मैदा का अब मैं इस तरीका से करती हुई लोई तोड़ लूंगी गोल गोल। जितनी बड़ी अपन कचौरी बनानी है उस हिसाब से मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ। इस तरीका से मैं सब लोई तोड़ ले रही हूँ 4 से 5। अब थाने में दिखाऊं के करण है जो मसालों हैं इनकी भी गोली बना लेनी है तरीका से, जितना अपन मसालों देना कचौरी के अंदर इस तरीका से। मैं बना बना के प्लेट में रख ले रही हूँ, अब मैं बना के तैयार कर ली हूँ गोल राउंड में। और अब कचौरी के लिए लोई ली हूँ, उन लोई ने मैं पूरी ना इस तरीका से करके और हाथ से ही बना के बता रही हूँ मैं थाना, इन बेल के भी बना सके हैं इस तरीका से कर लेना है। एक अंदर रखता हूँ यहाँ, और इन्हें ऊपर से एकदम पैक कर दे तरीका से पैक कर दो, फिर से दोबारा इन तरीका से कर लेना और हल्का हाथ से इन्हें दबा लेना इस तरीका से, सेट हो जाओगी अंदर एकदम, और कचौरी बहुत बढ़िया से बनेंगी, न फटेंगी न कटेंगी।
इस तरीका से सब भर लेनी है। और मैं ये दो भर के तैयार कर ली हूँ और हाथ से थाले बताई हूँ कि इस तरीका से हल्का हाथ से दबाना है पलट के, और इस तरीका से किनारी दबा देनी है। बहुत बढ़िया से कचौरी बने हैं। तो ये मेरे तेल गर्म हो चुके हैं, एक अंदर में छोड़ दे रही हूँ इन्हें। बस सिकने के बाद में कचौरी में निकाल लेनी है और फिर थोड़ी देर बाद फिर सेकनी है, मतलब 5 से 10 मिनट इन्हें बाहर रखनी है, उनके बाद दोबारा से सेकनी है। तब तक मैं ये दूसरी वाली डाल दे रही हूँ इनके अंदर। इस तरीका से डबल सेकने से कचौरी जो नहीं फूलनी है वह भी फूलेंगी और बहुत खस्ता बनेंगी। दोबारा डाली ही वह मैं निकाल ले रही हूँ बाहर, और पहली वाली वापस से सेकनी है थोड़ी सी मध्यम आंच पर। इनमें सब ने निकाल लेना है और पहली वाली मैं फिर से डाल रही हूँ। इसे खस्ता बहुत ज़्यादा खस्ता बना है दोबारा सेकने से, लगभग ज़्यादा नहीं पकानी है, 2 मिनट पकानी है। वो कितनी बढ़िया से सब मैं बोली ना दोबारा डालने से फूलना है, कितनी बढ़िया से फूल के कचौरी तैयार हो गई थी। सब ने मैं बाहर निकाल ले रही हूँ। देखो ये लगभग 1 महीना तक स्टोर कर सकूँ, छोटी साइज की बना गए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। जोधपुर बीकानेर जयपुर की फेमस चीज़ है राजस्थान की। देखो कितनी बढ़िया से खस्ता कचौरी बनी है, दोनों पड़े अलग अलग फूल रही हैं अंदर से पूरा मसालों हैं। और थाले पसंद आ जाए रेसिपी तो थे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए, और ये तरीका से बना के खाए और मन कमेंट करके बताओ।